नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम पूरे विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, जहां पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो डेट आयोग ने हमें दी थी, अर्थात 21 जून की डेट, उसी डेट को आयोग ने कहा है कि वो अपने एग्जाम को कंडक्ट करेगा, उसी तिथि को पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप अपनी तैयारी पर लग जाएंगे, दिमाग में अगर कोई भटकाव था तो उससे दूर हटके वापस से अपनी जगह पर आएंगे और दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम बहुत जल्दी 3 या 4 दिनों में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड प्रीलिम्स बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यूरेशन 120 दिन होगी। 120 डेज का ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स का बैच होगा। दोस्तों, उस बैच के बारे में हम आपको जल्द इन्फॉर्मेशन देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अभी 23% का डिस्काउंट है, 23% का डिस्काउंट है न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तहत। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों, और जुड़िए हमारे साथ। हम प्रीलिम्स की तैयारी, वहाँ पर एक पूरा फुल फ्लैश बैच लेकर के आ रहे हैं। एक और बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे चल रही थी, कंटिन्यू चलती रहेगी, तो ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो को। फिर मिलते हैं क्लास में। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो कल की क्लास में आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले कल की क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम था ज्वालामुखी वोल्केनो। ठीक है, उससे पहले हमने एक टॉपिक और खत्म किया था जिसमें हमने प्लेटों की सीमाओं के बारे में पढ़ा था, प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि प्लेटों की 3 प्रकार की गतियां होती हैं, 3 तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है कन्वर्जेंट मूवमेंट, जिसमें 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। एक होती है डाइवर्जेंट मूवमेंट, जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। और एक होती है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जिसे रूपांतरित सीमा कहा जाता है, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इंपॉर्टेंट बातें हमने ये पढ़ी थी कि जब 2 प्लेटों का डाइवर्जन होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उस समय नई भूपरपटी का निर्माण होता है, नई क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हमने उसे एक और नाम दिया था, रचनात्मक सीमा या कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ऐसा कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो ये मध्य महासागरीय कटकों, मिड ओशनिक रिज में देखने के लिए मिलता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, जहां पर हम देखते हैं कि यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट अलग हो रही हैं उत्तरी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट से, और बीच में एक मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन हुआ है। फिर हम और आगे गए तो इसी में हमने देखा कि मिड ओशनिक रिज के अलावा रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन भी होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण भी होता है, और यही भ्रंश घाटी आगे जाकर के समुद्र या झील या महासागर बन जाती है। हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, विशाल आप बताइए कौन सी झील है जो एक भ्रंश झील है, रिफ्ट लेक है, जिसको हमने डिस्कस किया था, बैकाल। लेक बैकाल के बारे में हमने पढ़ा था, कहां पर है आयुष लेक बैकाल? नहीं पढ़ा आपने? खुशी आप बताएं, खुशी नहीं आई आज, ठीक है आप बताइए, नहीं आप बताइए, रशिया में। हमने डिस्कस किया था कि रूस में बैकाल झील स्थित है, और जो लेक बैकाल है वो एक रिफ्ट लेक का एग्जाम्पल है, वो एक भ्रंश झील का उदाहरण है, और ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। लेक बैकाल के बारे में हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। हमने एक और चीज डिस्कस की थी, आप मुझे बताएंगे उस सागर का नाम बताइए जो भ्रंश की प्रक्रिया से बना है, जो फॉल्टिंग की प्रोसेस से बना है, रेड सी। लाल सागर का निर्माण भ्रंश की प्रक्रिया से हुआ है, आप मुझे बताएंगे कि वो किस भ्रंश का हिस्सा है, किस रिफ्ट वैली का हिस्सा है? वो पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी, जिसे हम महान भ्रंश घाटी या द ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, जिसमें जॉर्डन की घाटी भी आती है। एक और मुझे आप बताएंगे डेथ वैली कहां पर है? डेथ वैली आपसे पूछ रहा हूं,
यूएसए। डेथ वैली कहां पर है? यूएसए में है। और डेड सी कहां पर है, किस जगह पर है? जॉर्डन के पास पाया जाता है डेड सी। और दोनों ही किसका उदाहरण है? भ्रंश का उदाहरण है, दोनों ही फॉल्ट का एग्जाम्पल है। फिर हम आगे बढ़े, हमने रूपांतर सीमा के बारे में पढ़ा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में पढ़ा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना तो क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है और ना ही क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि दो प्लेटें एक दूसरे के आजू बाजू में गति कर रही होती हैं। इसीलिए हमने इसको क्या कहा था कि ये कैसी सीमा है? संरक्षी सीमा है, ये कंजर्वेटिव बाउंड्री है, क्योंकि ना ही क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ना ही क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात हमने ये पढ़ी थी कि जहां पर ऐसी सीमाएं पाई जाएंगी वहां पर वॉल्केनिज्म नहीं होगा, लेकिन वहां पर अर्थक्वेक जरूर आएंगे, वहां पर भूकंप जरूर आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम तीसरी और आखिरी सीमा को पढ़ा था, जिसमें हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात की थी, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। हमने देखा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो इससे भूपरपटी का विनाश होता है, इससे क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। इसी वजह से हमने इसे क्या नाम दिया? विनाशी सीमा। हमने इसे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण जो हमें देखने के लिए मिला वो था यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट की टक्कर का होना, कोलिजन बिटवीन द यूरेशियन एंड द इंडियन प्लेट। यहाँ पर हमने एक और बात देखी थी कि ये तीन प्रकार के होते हैं, इसमें तीन टाइप होते हैं। एक होता है महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट का टकराना, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन, एक होता है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट का कन्वर्जन, और एक होता है ओशियन और ओशियन प्लेट, ठीक है। इसमें हमने ये समझा कि जब ये तीनों, जब भी मतलब दो प्लेटें टकराएंगी, तो एक बात जो बड़ी क्लियर है वो ये बात है कि हमेशा भूपरपटी का विनाश होगा, हमेशा क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा। और दूसरा कॉमन पॉइंट जो हमने देखा था कि हर जगह पर भूकंप आएंगे, हर जगह पर अर्थक्वेक आएगा, लेकिन जब महाद्वीप से महाद्वीप टकराएंगे तब वलित पर्वतों का निर्माण होगा, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, और भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक आएगा। लेकिन जब महाद्वीप से महासागर टकराएंगे तब वोल्केनिज्म भी होगा, अर्थक्वेक भी आएंगे, और फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन भी होगा। और जब महासागर से महासागर टकराएंगे तब भी वोल्केनिज्म होगा, तब भी अर्थक्वेक आएंगे, लेकिन अब द्वीपों का निर्माण होगा, अब आइलैंड का फॉर्मेशन होगा। फिर हमने भारतीय प्लेट की गति को देखा, हमने समझा कि हम गोंडवाना भूमि का हिस्सा थे, 20 करोड़ साल पहले हम गोंडवाना से टूटना शुरू हुए, हम एक हॉट स्पॉट पर से गुजरे 12 करोड़ साल पहले, उस हॉट स्पॉट की वजह से हमारे यहाँ फिशर वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन शुरू हुआ, जिस वजह से दक्कन के पठार दक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ, बाद में उन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों का अनाच्छादन हो गया, डेन्यूडेशन हो गया, जिस वजह से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से एक साथ नहीं टकराई, पहले वो टैथिस सागर से गुजरी, जहां से उसे अवसाद मिल गए, सेडिमेंट मिल गए, यही सेडिमेंट आगे जाकर के मुड़ गए, फोल्ड हो गए, जिनसे हिमालय का निर्माण हुआ। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर वृहद हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना, और सबसे आखिरी में सबसे नया शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हमने एक महाद्वीप की चर्चा की जिसे आठवां महाद्वीप घोषित करने की बात हो रही है, जीलैंडिया। जीलैंडिया जिसका 94% हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, और इसी पर स्थित है एक देश जिसे हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना, कुछ चीजें जब मैं वोल्केनो आपको रिवाइज कराऊंगा तो कुछ पॉइंट ऐड करने होंगे, वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। चलो वोल्केनो का 2 मिनट रिवीजन करते हैं और फिर मैपिंग करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, वोल्केनो के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि ये जो पृथ्वी की भूपरपटी है, जो क्रस्ट है, उसमें एक छिद्र होता है, उसमें एक होल है, जहां से हमारे एस्थिनोस्फीयर या मेंटल से लावा, गैसें, चट्टाने, ये सारी चीजें बाहर आती हैं। एक पॉइंट जो कल हम आपको नहीं बता पाए थे कि दोस्तों वोल्केनो को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। वॉल्व की स्पेलिंग सही गलत नहीं पता, भी यही होती है क्या? ठीक है, वोल्केनो को अर्थ का सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। क्यों? तो ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर एक कुकर है, अगर उस कुकर में सीटी नहीं होगी तो क्या होगा?
कुकर फट जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर कुकर में सीटी नहीं होगी तो कुकर फट जाएगा। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो क्रस्ट है वो कुकर के उस स्टील की बॉडी है, ठीक है, और नीचे क्या है, बहुत ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर, जो क्या होना चाहता है, रिलीज होना चाहता है। अब 2 मिनट इमेजिन करो कि अगर हम उसे रिलीज ना होने दें तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी भी ब्लास्ट हो जाएगी। तो ज्वालामुखी के द्वारा क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो अधिक दबाव, एक्स्ट्रा प्रेशर जो बनता है वो बाहर निकलता है। तो वॉल्केनो बेसिकली हमारे कुकर की सीटी की तरह है, जो कि सीटी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल्व। सीटी का अगर सही नाम देखा जाए तो क्या है, सेफ्टी वॉल्व। तो ज्वालामुखी पृथ्वी का या फिर प्राकृतिक सेफ्टी वॉल्व है, एक नेचुरल सेफ्टी वॉल्व है। क्यों है, ये बात भी आप समझ गए। फिर जो मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सब जब भी वोल्केनिज्म होगा, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा, इसमें बहुत से पदार्थ निकलते हैं, इससे बहुत सारे पार्टिकल्स या बहुत सारा मटेरियल निकलता है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो मटेरियल निकलता है वो क्या है दोस्तों, वाटर वेपर, H2O। कितना निकलता है, लगभग 60 से लेकर के 90% तक जलवाष्प निकलती है, 60 से 90% वाटर वेपर दिखाई देती है। इसके अलावा दूसरी चीजें जो दिखती हैं वो राख, ठीक है, राख। फिर एक चीज जो होती है गैसें, क्या होती हैं दोस्तों, गैसें। और गैसों में भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर इसमें एक और गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन भी निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है, हीलियम भी निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं निकलती। उसमें जमाने भर के ऑप्शन थे, ऑक्सीजन भी ऑप्शन में था, तो ऑक्सीजन यहाँ से नहीं निकलती। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन निकलती तो फिर हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि कैसे एटमोसफियर बना, तो वहीं पर ऑक्सीजन आ जाती। लेकिन हमने देखा कि ऑक्सीजन को बनाने में सबसे बड़ा काम किया महासागर ने। महासागर में छोटे छोटे जीव आए जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया गया, फोटोसिंथेसिस किया गया, फिर उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया। और ओशियन का इंपॉर्टेंस आज बहुत ज्यादा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ओशियन बहुत बड़ा काम जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, वो CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका। और तब उनके अंदर कार्बनिक अम्ल बन जाता है और वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक, ये गैसें निकलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, गैसों के अलावा आप देखें तो बहुत सारी चट्टाने, कुछ टुकड़े और लावा, ये सारी चीजें भी निकलती हैं। इन सबको मिला करके एक शब्द कहा जाता है पायरो क्लास्ट। क्या कहा जाता है, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट का मतलब ये होता है कि जो भी लावा निकल रहा है, जो भी चट्टाने निकल रही हैं, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं, उन सबको क्या बोल देते हैं, पायरोक्लास्ट। ये ग्रीक या लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अग्नि, ठीक है। तो जो कुछ भी इससे निकला वो पायरोक्लास्ट कहलाता है। प्रश्न कुछ ऐसा बनेगा कि पायरोक्लास्ट का संबंध किस चीज से है, पायरोक्लास्ट इज एसोसिएटेड विद, तो आंसर क्या होगा, ज्वालामुखी वॉल्केनो। अब इसी पायरोक्लास्ट को जब हमने कल डिटेल से पढ़ा था तो हमने इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि सर एक चीज होती है जिसे हम वॉल्केनिक बॉम्ब या वॉल्केनिक ब्रेशिया बोलते हैं, याद है, और ये कैसे कण होते हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, ये काफी बड़ी साइज के या मेगा या लार्ज साइज ऑफ रॉक होता है जो बहुत नुकसान करते हैं, बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा आपको याद होगा हमने एक और वर्ड पढ़ा था टफ, ठीक है, और टफ क्या है, राख की चट्टाने, ठीक है, रॉक मेड बाय द एश, ठीक है, राख से जो चट्टाने बनती हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया था, टफ। एक और शब्द जो हमने पढ़ा था वो था लैपली। लैपली ये मटर के आकार की चट्टाने होती हैं, जनरली 32 मिलीमीटर तक इनका व्यास होता है, इतनी बड़ी ये चट्टाने होती है मटर के आकार की। अब दो शब्द और हैं जो यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, एक शब्द है पेले के आंसू, पेले स्टियर, और एक शब्द है
पेले के बाल, गुड़िया के बाल नहीं भैया, ठीक है, पेलेस टीयर्स और पेलेस हेयर, दो वर्ड है। अब ये जो शब्द है पेले, ये महान फुटबॉलर के नाम पर नहीं है। आप जानते हैं कि हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है। प्रश्न आ सकता है आप में से, बताएंगे किस देश से संबंधित है? ब्राजील। याद रखिएगा सभी लोग, पेले बहुत महान फुटबॉलर थे और उनका संबंध ब्राजील से था। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं इसी तरह के। तो लेकिन ये जो शब्द है ना पेले, एक देवता का नाम है, अग्नि के देवता का नाम है ग्रीक माइथोलॉजी में, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर दो शब्द दिए गए, एक पेले के आंसू और एक पेले के बाल। एक्चुअल में जब बहुत सारी चीजें निकलती है ना, तो एक बहुत बाल के आकार के कुछ इस तरह, जैसे गुड़िया के बाल होते हैं देखें, ठीक उसी प्रकार की एक संरचना भी ज्वालामुखी से बाहर निकलती है। वो लिटरली छोटे छोटे, अगर दूर से देखोगे ना, वो क्रिस्टल है, क्रिस्टल, लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसे ये पतले से बाल हो, और बहुत छोटे छोटे ना और कण निकलते हैं, बहुत छोटे, जो आंसू की बूंदों की तरह दिखाई देते हैं। तो उन्हें क्या नाम दे दिया? पेलेस टीयर। मैं अभी दिखाऊंगा भी, लेकिन ये दो शब्द और लिख लेना। और ये सब किस में आते हैं दोस्तों? पायरोक्लास्ट में आते हैं। तो अब अगर कहा जाए कि ज्वालामुखी से क्या क्या निकल रहा है, जलवाष्प निकल रही है, गैसें निकल रहे हैं, और पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट में क्या आ गया? चट्टाने और लावा, चट्टाने और लावा, ये सारी चीजें किस में आएंगी? पायरोक्लास्ट में आएंगी। ये ऐड करना है, जरूरी पॉइंट है, ठीक है, ये ऐड कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन और आगे पढ़ते हैं चीजों को। ओके, पेलेस्ट, बस नाम लिख लो, आपको और कुछ लिखना नहीं है, वो बस आपको याद रहेगा कि इस प्रश्न सिंपल आता है कि पेले के आंसुओं और पेले के बालों का संबंध किस चीज से है। आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी, वोल्केनो। ठीक है, लैपली, ये तो लिखा था हमने कल, लैपली, उसमें लिखा था ना वोल्केनो से जो जो पदार्थ निकलते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बाजू में जगह छोड़ करके रखो ताकि उस नोट में आप एड ऑन कर सको। ठीक है, चलिए, इतना होने के बाद एक चीज और है जो हमने कल पढ़ी थी। हमने कल लावा के बारे में पढ़ा था दोस्तों, याद है आपको? तो हमने आपको समझा दिया था कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है। पृथ्वी के अंदर जब है तो वो मैग्मा, पृथ्वी के बाहर आया तो लावा। और है क्या लावा? पिघली हुई चट्टानों को लावा या मैग्मा कहते हैं। जो मेल्टेड रॉक होती है उन्हीं को हम लावा या मैग्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये बात? लावा दो प्रकार का होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक होता है एसिडिक अम्लीय लावा, और एक होता है एल्काइन, ठीक है, या बेसिक, इसी को क्या बोलते हैं? बेसिक। ठीक है, दो प्रकार का लावा होता है। ये भी हमने पढ़ा था कि जो एसिडिक लावा होता है वो गाढ़ा होता है, वो बहुत ज्यादा थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है, और ज्यादा गाढ़ा होगा तो जल्दी एक जगह पर जम जाएगा। और एसिडिक लावा जब भी निकलेगा तो उससे पर्वतों का निर्माण होता है, उससे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो क्षारीय लावा है ये पतला होता है, ठीक है, ये पतला होता है, इसीलिए इनसे पठार या मैदान का निर्माण होगा, या तो प्लेटू बनेगा या फिर इससे क्या बनेगा, या तो प्लेटू बनेगा या फिर प्लेन का फॉर्मेशन होगा। पतले के लिए क्या बोलेंगे? थिन, ठीक है, ओके। ये अब ये हमने देखा था कहां पर, हमें क्षारीय लावा कहां मिला था? फिशर वॉल्केनो, कहां मिला था, कहां? एग्जांपल दो इसका, डेक्कन प्लेटो। डेक्कन के पठार जब हमारी भारतीय प्लेट हॉटस्पॉट से गुजरी तो वहां पर फिशर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिससे क्षारीय लावा निकला। अब क्षारीय लावा पतला है, अब दो मिनट इमेजिन करो कि यहां से अगर मैं कोई भी चीज फेंकू, अगर कोई चीज पतली है और मैं उसको यहां से फेंकू तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, जहां विशाल बैठे हैं वहां तक भी जा सकती है, लेकिन अगर कोई चीज बहुत गाढ़ी है और मैं उसको फेंकू तो वो दूर तक नहीं जा पाएगी। तो जो क्षारीय लावा होता है वो दूर तक फैलता है, इसीलिए उससे पठार या फिर मैदानों का निर्माण होगा। लेकिन जो अम्लीय लावा है उसको थिकनेस बहुत होती है, तो इससे जनरली पर्वतों का निर्माण होता है, वो एक जगह फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा दोबारा से, तो ये भी लिख लेना कहीं पर कि दो प्रकार का लावा है, एक अम्लीय और एक क्षारीय। इस तरह से दो अलग अलग घटनाएं होती हैं। और इसका उदाहरण क्या है, तो आप लिख भी सकते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। और क्षारीय लावा से कौन सी चट्टान बनेगी? बेसाल्टिक। कौन सी चट्टान बनेगी? बेसाल्टिक चट्टान बनती है, बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन होता है।
क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ओके, अब एक चीज और है जो पढ़ना है वोल्केनो के बारे में। अगला एक चीज हम नहीं पढ़ पाए थे वो है टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनती हैं, ये टॉपिक रह गया था। ठीक है, देखो एक बात जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा उससे क्या बाहर आएगा, लावा। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। अब ये जो लावा है ये चट्टान का निर्माण करता है, ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये रॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक इग्नियस रॉक होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है और एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ये चट्टान जब लावा ठंडा होता है तो इससे जो चट्टान बनती है वो चट्टान बनती है दोस्तों आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है, इससे इग्नियस रॉक बनती है। ठीक है, अब ये जो आग्नेय चट्टान है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सट्रूसिव बाह आग्नेय चट्टानें और दूसरी होती है इंट्रूसिव आंतरिक आग्नेय चट्टानें। देखो हमने कल आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि ये मैग्मा चैम्बर है, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये इतना बड़ा क्या है, क्रस्ट। ये क्या है, क्रस्ट। तो जब यहां से ये मैग्मा बाहर आएगा इस जगह से तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो क्रस्ट में भी जाएगा ना अंदर, ये क्रस्ट का आंतरिक भाग है इस तरीके से, और फिर कुछ हिस्सा कहाँ आ जाएगा, बाहर। आप इस डायग्राम को इमेजिन करो 2 मिनट कि ये मैग्मा चैम्बर है, ये कहां पर है, मेंटल, और मेंटल में भी कहां पर है, एस्थेनोस्फियर में है। अब आप समझने की कोशिश करना कि जब ये मैग्मा एस्थेनोस्फीयर से बाहर की ओर आएगा तो इसका कुछ हिस्सा क्रस्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि आप यहाँ पर लावा है, आपको यहाँ पहुंचना है, तो अगर इसके अंदर से आप गुजरोगे तो कुछ हिस्सा तो अंदर रह जाएगा ना कुछ पोर्शन तो अंदर रह जाएगा ना। ठीक है, इंक होती है पूरी खाली होती है, कुछ ना कुछ हिस्सा लगा रहता है। ओके, तो इस वजह से आंतरिक चट्टाने भी बनती हैं और जो हमें बाहर दिखाई देती हैं वो बाह चट्टाने कहलाती हैं। बनी किससे हैं, लावा से, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टाने। तो जो आग्नेय चट्टाने क्रस्ट के अंदर बनती हैं उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है, और जो आग्नेय चट्टाने भूपृष्ठ पर या सरफेस पर बनती हैं उन्हें बाह आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये हमें आगे पढ़ना है, लेकिन इसकी वजह से कुछ आकृतियों का निर्माण होता है। देखो एक्सट्रूसिव में तो हमें पता है बेसाल्टिक रॉक बन सकती है, ग्रेनाइट, ये सारी चट्टाने बन सकती हैं। इंपॉर्टेंट ये है इंट्रूसिव में क्या क्या बनता है, तो इसमें एक होता है सिल, ठीक है, सिल एक चट्टान का नाम है। एक चट्टान बनती है जिसे डाइक कहते हैं, डाइक, ठीक है। एक चट्टान होती है जिसे बैकोलिथ कहते हैं, बैकोलिथ। एक होती है जिसे लैपोलिथ कहते हैं, एक होती है जिसे लैकोलिथ कहते हैं, लैपोलिथ और लैकोलिथ। ये अलग अलग प्रकार की चट्टाने बनती हैं जो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हैं। ठीक है सर, यहां क्यों पढ़ रहे हैं? यहां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण हो क्यों रहा है, ज्वालामुखी की वजह से। अगर वोल्केनो नहीं आएंगे तो आग्नेय चट्टान का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, तो उससे ये चट्टानें बनती हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा गया है वो समझो। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपोग्राफी इज नॉट फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिज्म। उसमें एक ऑप्शन था बैकोलिथ, एक ऑप्शन था लैकोलिथ, एक था डाइक और चौथा था सर्क। सर्क एक अलग स्थल आकृति है जो आगे हम पढ़ेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, सर्क। सर्क इससे नहीं बनता। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा गया कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों में क्या क्या शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। वहां पर भी उसने 3 ऑप्शन दिए थे और एक अलग ऑप्शन दे दिया था।
ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बात लिखवा रहा हूँ। और बाह आग्नेय चट्टाने जो हमें बाहर दिखाई देती हैं। अब मुझे एक चीज और बताओ, लॉजिक से बताओ, कि अगर कोई चीज, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक गर्म लावा लेकर के आऊँ, लावा मतलब पिघली हुई चट्टान, अगर मैं उसे एकदम से ठंडा कर दूँ, एकदम से ऐसा मैंने फेंका और तुरंत ठंडा हो गया, तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। अगर कोई भी चीज में तुरंत ठंडी कर दूं तो क्या होगा? छोटा। लेकिन अगर मैं उसको समय दूं ठंडा होने के लिए, तो उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसी ही कहानी इनके साथ भी है। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप होते हैं, बिल्कुल आंतरिक भाग में, तो वहां पर टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं होता, एकदम से बिल्कुल डाउन नहीं होता, वहां टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है। इसीलिए जब नीचे आप देखोगे तो वहां बैकोलिथ नाम की एक चट्टान बनती है, बहुत बड़ी चट्टान होती है। मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ बैकोलिथ का, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि बैकोलिथ नाम की एक चट्टान बनती है। ये देखिए, ये डायग्राम आप देखें तो यहाँ एक बैकोलिथ, बैथोलिथ, सॉरी बैथोलिथ है प्रोनाउंसिएशन, बैथोलिथ नाम की चट्टान बन रही है इतने बड़े इलाके में। क्यों बन पा रही है चट्टान? क्योंकि यहाँ पर लावा के ठंडे होने की गति कम है। तो ये मैं बस आपको एक रिलेशनशिप बता रहा हूं कि अगर लावा जल्दी ठंडा होगा तो याद रखिएगा चट्टान का आकार छोटा होगा, साइज ऑफ द रॉक हमेशा स्मॉल होगा। लेकिन अगर लावा को ठंडा होने के लिए समय मिलेगा तो चट्टान का आकार बहुत बड़ा होगा। आपने वीडियोस देखे होंगे आजकल कि जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, साइबेरिया वगैरह, वहां पे लोग पानी लेकर के ऐसा उड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो क्या है, पानी को एकदम से टेम्परेचर क्या मिला तो क्या होता है, फवारा बन जाता है पानी। लेकिन उसी पानी को अगर आप फ्रिज में रखें, उसी ग्लास को, तो पानी कैसा जमेगा? पानी का एक पूरा ग्लास में है ना, तो ग्लास जैसा ही वो निकलेगा पानी बाहर। तो ये अंतर होता है। तो बैतोलित का निर्माण होता है, स्टॉक का निर्माण होता है, डाइक कुछ इस तरह दिखाई देता है, ये लैकोलिथ है। ठीक है, इस तरह अलग अलग चट्टाने दिखाई देती है, सिल है। ओके, और ये सारी क्या कहलाती हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाती हैं, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है, अगर लिखा है तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्थल आकृतियों की बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, टोपोग्राफी की। अच्छा, इसके अलावा क्या बनता है? तो इसके अलावा ज्वालामुखी की वजह से पर्वत तो बनते ही हैं, हम जानते हैं कि इसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, हम ये भी जानते हैं कि इसकी वजह से पठार का निर्माण होता है, प्लेटू का फॉर्मेशन होता है, इससे मैदानों का निर्माण भी हो जाता है, लावा का मैदान कहा जाता है, लावा प्लेन। इसका एक और प्रभाव समझो, वॉल्केनो का, इसकी वजह से क्या होता है, कई बार बड़े पैमाने पर भूकंप आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अर्थक्वेक आ जाते हैं। और अगर ये भूकंप समुद्री इलाके में आया तो इसी भूकंप की वजह से क्या होता है, फिर सुनामी का निर्माण होता है। ठीक है, हम जानते हैं ना कि भूकंप का एक सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, कहा जाता है कि भूकंप, अगर कभी भी समुद्री इलाके में बड़ा भूकंप आ गया तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी का निर्माण होगा। ठीक है, आपको याद है कि 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी इंडिया में हिट की थी, वो अर्थक्वेक की वजह से हिट की थी, क्योंकि इंडोनेशिया वाले इलाके में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, उसी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी था क्राकटोआ, जब उसमें विस्फोट हुआ था तो उस समय भी एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया, और उस भूकंप की वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी आ गई। तो ज्वालामुखी का एक प्रभाव अर्थक्वेक भी होता है। अगर अर्थक्वेक बहुत हैवी है तो वो किसको लेकर के आएगा? वो सुनामी को लेकर के आएगा। तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं। भूकंप का तो सीधा प्रभाव होता है सुनामी, लेकिन ज्वालामुखी का सीधा नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। ठीक है, ज्वालामुखी से भूकंप आएगा, भूकंप से क्या जनरेट होगी? सुनामी जनरेट होगी। तो ये वो स्थल आकृतियां हैं, वो टॉपोग्राफी है जिनका निर्माण किसकी वजह से होता है दोस्तों? जिनका निर्माण ज्वालामुखी की वजह से होता है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? ओके, इसके बाद एक चीज हमने और पढ़ी थी, हमने कुछ शब्दों को डिस्कस किया था, हमने कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ा था जो ज्वालामुखी से जुड़े हुए हैं। ज्वालामुखी का जो मुख है, जो माउथ ऑफ द वॉल्केनो होता है, उसे हमने क्या कहा था? क्रेटर। क्या कहा था? क्रेटर। लेकिन जब यही क्रेटर धस जाता है तो इससे किसका निर्माण होता है? कॉल्डेरा का निर्माण होता है।
ठीक है, और अगर इसमें पानी भर जाए तो इससे किसका निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है, लेक का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी तरह अगर क्रेटर में भी पानी भर जाए तो इससे कैसी झील बनती है, क्रेटर लेक या क्रेटर झील का निर्माण होता है। कहा जाता है कि भारत में जो लोनार झील है, जो लोनार लेक है, लोनार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, वो एक क्रेटर झील है। उसके बारे में दो बातें कही जाती हैं, बिल्कुल, एक थ्योरी कहती है कि वो उल्का से बनी हुई झील है और एक थ्योरी कहती है कि वो ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। क्रेटर का मतलब मैं समझ रहा हूँ आप लोग कि ये क्रेटर है, अगर ये ज्वालामुखी है इस तरह से तो ये जो हिस्सा है ये क्रेटर कहलाता है। ओके, अगर इसमें पानी भर जाए तो क्या बन जाएगा, क्रेटर झील। लेकिन अगर यही हिस्सा यही डायग्राम में बनाऊं और ये नीचे आ जाए तो क्या बनेगा, कॉल्डेरा, और इसमें फिर पानी भर जाए तो ये कॉल्डेरा लेक कहलाएगी। क्लियर। अब भारत में जो एक उदाहरण माना जाता है क्रेटर झील का, वो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है, एक जगह है बुडियाना करके, वहां पर वो झील स्थित है। क्लियर। फिर हमने यहीं पर एक बात और समझा था कि ज्वालामुखी की जो नली होती है उसे हम वॉल्केनिक वेंट का नाम देते हैं। ठीक। फिर हमने ये भी देखा था कि दो अलग-अलग शब्द, एक फ्यूमरोल्स जिसे हमने धुआरे कहा था और एक शब्द है गेजर। ठीक है, गेजर या गीसर। ओके, फ्यूमरोल में हमने देखा था कि यहां से सिर्फ भाप निकलती है और गीसर में क्या होता है, पानी भी निकलता है बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत तेज, हॉट स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ये। ठीक है, पानी निकलता है बड़ी मात्रा में। इंपॉर्टेंट ये था कि धुआरों के हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे वैली ऑफ 1000 स्मोक, याद है आपको, हजारों धुआरों की घाटी कहां पर है दोस्तों, अमेरिका में स्थित है। एक और हमने पढ़ा था कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, इसको करेक्ट करो, ये पाकिस्तान में है, जो कोह सुल्तान है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, दामवंत जो पर्वत है वो कहां पर है, ईरान में है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। कोह सुल्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले रीजन में है जहां ईरान की बाउंड्री लगती है, तो कोह सुल्तान पाकिस्तान में। इसमें एक और हम डिस्कस किया था व्हाइट आइलैंड ये कहां पर है, न्यूजीलैंड में। फिर हम गेसर की हमने बात की थी, और गेसर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, येलो स्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर। कहां पर है, येलो स्टोन पार्क अमेरिका में स्थित है, येलो स्टोन पार्क। ये जो ओल्ड फेथफुल गीजर है इसी के साथ ना यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं येलो स्टोन पार्क में ही, जिसे कहा जाता है पेंट पॉट। क्या कहा जाता है, पेंट पॉट बोला जाता है। ये भी कहां पर है, अमेरिका में है। अमेरिका में कहां पर, येलोस्टोन पार्क में। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ अंदर से पानी नहीं निकलता, पानी के साथ साथ कीचड़ भी निकलता है। तो ये पेंट पॉट जो है वो अमेरिका की येलोस्टोन पार्क के ऐसे गीजर हैं। आप ये कह सकते हो ये भी क्या है, गीजर है तो ये अपने आप में गीजर। किस प्रकार का गीजर है, किसमें पानी निकल रहा है और इसके साथ साथ मड या कीचड़ भी निकल रहा है, पेंट पॉट्स, और इनको पेंट पॉट नाम दिया गया है। ठीक है, पानी के साथ साथ कीचड़ भी इसमें है। ओके, ओल्ड फेथफुल गीजर। एक और था आइसलैंड में, कौन सा है, ग्रैंड गीजर या ग्रैंड गेसर, ये कहां पर है, आइसलैंड में स्थित है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा था, गीजर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको याद होंगी। इतने टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे, ये अपडेशन था जो मुझे आपको बताना था, आपने ऐड कर लिया होगा। याद रखना ये पुणे शुरुआत में हमने देखा था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं और यहाँ से आगे भी प्रश्न आएंगे। और अब जो हिस्सा हम कवर करेंगे मैपिंग वाला हिस्सा, वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी अगले टॉपिक पर आते हैं। अगली हेडिंग आप लगाइए, ज्वालामुखी के प्रकार। क्या हो गया भाई, ठीक है ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर, दो प्रकार का लावा होता है सारी चीजें। तो ये देख लो भाई, ये अगर पीछे आपको लोग दिख रहा है, ये देखो पेलेज हेयर लग रहा है ना, बाल जैसे वो भूरे भूरे बाल हैं, ठीक है ऐसे कलर्ड हो गए, और ये इनको बोलते हैं पेलेज के आंसू। ये देखो ये आंसू की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो इनको नाम दिया गया है पेले। ये तो हमने पढ़ ही लिया था सारी चीजें, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। चलिए ज्वालामुखी के प्रकारों की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो को हम डिस्कस करते हैं।
मैं सोच रहा था कि आपको इसमें तीन प्रकार से डिवीजन होता है। पहले मैंने सोचा था दो प्रकार पढ़ाए जाएं, तीसरा प्रकार बड़ा कठिन है, लेकिन एक प्रश्न आ गया है उससे, तो मुझे तीसरा प्रकार भी आपको पढ़ाना पड़ेगा कि अगर प्रश्न बन जाए तो वो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सकें। देखो ये तो हमने नहीं, यहीं से पढ़ना है ना, ठीक है। देखो ज्वालामुखी को हम तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है, तीन तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान देंगे। पहले सबसे पहला तरीका होता है सक्रियता के आधार पर, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, ठीक है, सक्रियता के आधार पर। दूसरा इसका जो तरीका होता है उद्भेदन के आधार पर, इरप्शन, बेस्ड ऑन इरप्शन। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है एक्सप्लोजन को क्या बोलेंगे हिंदी में, विस्फोट के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सप्लोजन। तीन तरीके से बांटते हैं, एक होता है सक्रियता, एक होता है उद्भेदन, और एक होता है विस्फोट। ठीक है, एक मिनट दीजिए। ठीक है, तो ये तीन इसके आधार हैं, एक है सक्रियता के आधार पर, एक उद्भेदन के आधार पर, और एक एक्सप्लोजन के आधार पर। सक्रियता के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो, और एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं सक्रिय या क्रियाशील ज्वालामुखी, इसे कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और इसे कहा जाता है मृत ज्वालामुखी। ठीक, समझे इस चीज को, यहीं पर समझेंगे, खत्म करेंगे टॉपिक को। ऐसे वॉल्केनो जिसमें लगातार, जिसमें क्या हो रहा है, लगातार उद्भेदन हो रहा है, इसमें रेगुलर इसमें क्या हो रहा है, इरप्शन या कंटिन्यूअस इरप्शन हो रहा है। इरप्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा विस्फोट हो, इस चीज को समझे पहले। इरप्शन का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो एक्सट्रीम विस्फोट हो। इरप्शन का सीधा सा मतलब है कुछ मात्रा में लावा निकल रहा है, कुछ गैसेस भी निकल सकती हैं, सिर्फ राख भी निकल सकती है। तो अगर ज्वालामुखी छिद्र से, अगर वॉल्केनिक वेंट से या वॉल्केनो से कोई भी चीज बाहर आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे, एक्टिव वॉल्केनो बोलेंगे। इसका एक उदाहरण है भारत में, और उदाहरण क्या है दोस्तों, बैरन। कौन सा उदाहरण है, बैरन ज्वालामुखी, जिसे हम बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं, और ये कहां पर है, अंडमान और निकोबार समूह में। अंडमान और निकोबार के भी दो हिस्से हैं, ऊपरी हिस्से को अंडमान कहते हैं, निचले हिस्से को निकोबार कहते हैं। तो जो अंडमान वाला हिस्सा है वहीं पर स्थित है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। क्लियर। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। ये ऐसे वोल्केनो हैं जिनमें कुछ समय पहले उद्भेदन हुआ था, कुछ समय पहले इनमें इरप्शन हुआ था, पर अब
काफी समय से इनएक्टिव हैं, काफी समय से सक्रिय नहीं है, पर इनमें कभी भी उद्भेदन हो सकता है, एनी टाइम दे कैन इरप्ट। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि दे हैव नॉट इरप्टेड सिंस लॉन्ग बट दे कैन इरप्ट एनी टाइम। बहुत समय से इनमें उद्भेदन नहीं हुआ है पर किसी भी समय उद्भेदन हो सकता है। धुड़क पहला बोलते थे हमारे यहाँ, ठीक है, कहीं भी धुड़क जाएगा। देखिए बहुत सबसे डेंजरस यही होते हैं, अगर आप सही तरीके से उनको स्टडी ना करो तो सबसे डेंजरस है ये डोरमेंट वॉल्केनो। अब एक वॉल्केनो हुआ करता था इसमें विसुवियस, पहले विसुवियस के बारे में हर जगह ये पढ़ते थे कि ये एक कैसा ज्वालामुखी है, डोरमेंट वॉल्केनो है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन अब उसमें विस्फोट होने वाला है इसीलिए वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आ गया है, वो एक्टिव वॉल्केनो की श्रेणी में आ गया है। लेकिन इसका एक उदाहरण है भारत में, बताएंगे इंडिया में, नारकोंडम। कौन सा उदाहरण है? नारकोंडम। तो भारत में इसका एक उदाहरण है नारकोंडम ज्वालामुखी, ये भी कहां पर है? अंडमान और निकोबार में। कहां पर है दोस्तों? अंडमान और निकोबार वाले इलाके में है। तो प्रसुप्त का मतलब समझ में आया, जिनका भरोसा नहीं होता, ठीक है, जिनका भरोसा नहीं होता, प्रसुप्त ज्वालामुखी है ये, क्लियर। कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है। अगर इनकी परिभाषा लिखने के लिए आए तो इसी तरीके से लिखेंगे, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें काफी समय से उद्भेदन नहीं हुआ है पर इनमें कभी भी उद्भेदन हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है मृत। ये एक ज्वालामुखी था, इट वॉज अ वॉल्केनो, पर अब इसमें विस्फोट होने की संभावना नहीं है, ये एक प्राचीन ज्वालामुखी, ठीक है, पहले इसमें विस्फोट हो चुका है लेकिन अब इसमें विस्फोट होने की संभावना नहीं है। जैसे दक्कन के पठार में जो ज्वालामुखी थे, अब वो दोबारा नहीं विस्फोट हो सकता उसमें, क्योंकि वो हॉट स्पॉट से गुजर चुके हैं। अगर दोबारा से हॉट स्पॉट से गुजरेंगे तब वोल्केनिज्म होगा, लेकिन अब उसके चांसेस नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें बहुत समय पहले विस्फोट हुआ था और अब दोबारा उसमें विस्फोट होने की संभावना नहीं है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहलाते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फिलहाल जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है कोह सुल्तान। कहां पर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है कोह सुल्तान। इसी तरीके से लिखना है आपको भी, बहुत मतलब देखो इनकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल इस तरीके की अगर टेबल भी बना लोगे और टेबल के नीचे एग्जाम्पल लिख दोगे तो काम बन जाएगा। परिभाषा पीडीएफ में दी गई है, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। परिभाषा समझो, उसको लिखने या रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उद्भेदन के अनुसार, बेस्ड ऑन द इरप्शन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंट्रल इरप्शन, केंद्रीय उद्भेदन, और एक होता है फिशर इरप्शन, दरारी उद्भेदन, ठीक है। एक है केंद्रीय और दूसरा है दरारी उद्भेदन। इसको डायग्राम की तरह से समझेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये पिक्चर्स देखिए आप, केंद्रीय एकदम से जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब एकदम से कोई वॉल्केनो फट जाए इस तरीके से, तो इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय ज्वालामुखी उद्भेदन, सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन ये डायग्राम देख रहे हैं आप, दरार आई और दरार में से ज्वालामुखी आना शुरू हुआ, तब हमने इसे क्या नाम दिया? फिशर वॉल्केनिक इरप्शन, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन। इसका जो हमें प्रैक्टिकल फॉर्म देखने के लिए मिलता है, अब ध्यान देना है कि टॉपिक पे, अगर केंद्रीय की बात करें, सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन, तो इससे हमेशा अम्लीय लावा निकलता है, एसिडिक लावा निकलता है, और इससे पर्वतों का निर्माण होता है, इससे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। कोई भी माउंटेन आप उठा लीजिए, एग्जाम्पल के लिए अकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है शायद, है ना, माउंट अकांकागुआ, वो कैसे बना? ज्वालामुखी से बना। किलिमंजारो का नाम पढ़ते हैं आप लोग, अफ्रीका में स्थित है, वो भी कैसे बनी? ज्वालामुखी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार के ज्वालामुखी से, तो जब केंद्रीय ज्वालामुखी, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी पावर है, किसी भी चीज में बहुत सारी पावर है, अगर उसे एक जगह से निकालोगे तो पूरी पावर एक जगह से निकलेगी, लेकिन अगर इसको ऐसे समझें कि ये पूरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारी अंदर एनर्जी है, अगर मैं यहां से निकालूं तो पूरी एनर्जी इस तरीके से आएगी, आएगी ना।
लेकिन अगर इसी बॉक्स में मैं छोटे छोटे क्रैक कर दूं, तब ये कुछ एनर्जी यहां से, कुछ एनर्जी यहां से और कुछ एनर्जी यहां से निकलेगी। क्लियर? तो इससे हमने क्या नाम दिया? दरारी। ठीक है, केंद्रीय मतलब जब पूरा ज्वालामुखी एकदम से विस्फोट हो जाए, और जब केंद्रीय ज्वालामुखी उद्भेदन होगा तब क्या बनेगा? पर्वतों का निर्माण होगा और अम्लीय लावा निकलेगा। एक और बात समझना कि जो केंद्रीय ज्वालामुखी उद्भेदन है वो हमेशा विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पाए जाते हैं, वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री के पास पाए जाते हैं। विनाशात्मक प्लेट का मतलब कौन सी प्लेट? कन्वर्जेंट प्लेट के किनारे पाए जाते हैं। कन्वर्जेंट को हिंदी में अपसारी अभिसारी। ठीक है, ओके ओके, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये हमने देखा अभी। कैसे? कल याद है जब हम कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक पर्वत है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कैसे बना? तो एक तरफ साउथ अमेरिका की प्लेट है और एक तरफ नजका प्लेट है। नजका प्लेट है वहां पर। नजका कैसी प्लेट है? महासागरीय। और साउथ अमेरिकन कैसी प्लेट है? महाद्वीपीय। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो उससे सिर्फ एंडीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, महासागरीय प्लेट बहुत नीचे चली गई। जैसे ही वो एस्थिनोस्फीयर में पहुंची वो पिघल गई, वहां पर ज्वालामुखी आना शुरू हो गए। कैसे ज्वालामुखी आए? केंद्रीय ज्वालामुखी आए। किनका निर्माण हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ। कितने सारे ज्वालामुखी हैं वहाँ? कोटापैक्सी है, चिम्बाराजो है, फिर ओजस डेल सेलेडो है, अकांकागुआ है, वो सारे आपको एक ही चैन पर देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पर देखने मिलते हैं? एंडीज पर्वत माला पर देखने मिलते हैं। लेकिन दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले दरारी ज्वालामुखी का। जब भी दरारी ज्वालामुखी आता है इससे क्षारीय लावा निकलता है, इससे एल्काइन या बेसिक लावा निकलता है, और इसमें हमेशा या तो रिजिस का फॉर्मेशन होता है, कटक कटक, या फिर इससे पठार का निर्माण होगा या फिर मैदान का निर्माण होगा। और इसका सबसे और ये किस प्लेट के किनारे पाए जाएंगे? तो ये रचनात्मक प्लेटों के किनारे पाए जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री के पास पाए जाते हैं। रचनात्मक को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बोलते हैं। और समझें भी इस चीज को कि जब दो प्लेटें दूर जा रही हैं मतलब दरार आएगी, और दरार का मतलब एनर्जी को निकलने के लिए बहुत सारी जगह मिली, और जब एनर्जी को निकलने के लिए बहुत सारी जगह मिलेगी तो धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन होगा। और ये कहाँ देखने मिलता है? मध्य महासागरीय कटक। स्पेसिफिकली हम बात करें तो मिड अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक, जहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट दूर जा रही हैं और अमेरिकन प्लेट से अलग जा रही हैं। दरार आई और कैसा ज्वालामुखी आएगा वहां? दरारी, फिशर वॉल्केनिक इरप्शन। बहुत बेसिक है, अगर आप कंसेप्ट से पढ़ोगे तो चीजें रटना नहीं पड़ेगा आपको, बस दिमाग लगाओ और फिर अपने अंदर चीजों को कैप्चर करना शुरू करो। क्लियर है? दो प्रकार के उद्भेदन, समझ गए आप लोग? सिंपल प्रश्न बना हुआ था, पर्वतों का निर्माण किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन से होता है? जवाब क्या होगा? ठीक है, सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन अब उसने अगर ये पूछ लिया कि पठारों का निर्माण या कटकों का निर्माण, ठीक है, प्लेटू या फिर रिजिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आंसर क्या होगा? फिशर। तो आंसर क्या होगा? फिशर वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, एक उन्होंने बनाया विस्फोट के आधार पर। ठीक है, विस्फोट के आधार पर कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं इसको इन्होंने बनाने की कोशिश की। समझेंगे विस्फोट का मतलब क्या होता है। विस्फोट का मतलब यह है कि अगर एक ज्वालामुखी फटा तो उसकी गैस, उसका लावा कितनी ऊंचाई तक गया। कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं जिनकी गैस या जिनका लावा पता पड़ा 2 किलोमीटर तक गया। कुछ ऐसे भी होंगे जो 20 किलोमीटर तक गए। कैन यू इमेजिन कि 20 किलोमीटर तक किसी ज्वालामुखी की गैसें ऊपर चली जाए, बहुत ही बड़े ज्वालामुखी। तो उस आधार पर ज्वालामुखी को 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, 5 अलग अलग पार्ट में बांटा। मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं इसको ट्रिक से याद रखता हूं। ठीक है, कुछ जगह पर सबसे पहले आते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी, जिसको हवाईयन वोल्केनो कहा जाता है इंग्लिश में, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ये सामान्य ज्वालामुखी होते हैं बहुत। इससे पहले भी एक आते हैं आइसलैंड।
आइसलैंड ज्वालामुखी का मतलब है दरारी ज्वालामुखी। अब उसमें तो ऊपर जाएगी नहीं गैस, दरारी का मतलब भी क्या है, आराम आराम से निकल रहे, तो उनको कहा जाता है आइसलैंड तुल्य। ठीक है, लेकिन यहां से कहानी शुरू हम करेंगे हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य के बाद जो अगले ज्वालामुखी आते हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रोम्बोली। अब जानते हैं कि स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है, कहां पर है, इटली में है। इटली में एक द्वीप है जिसे कहा जाता है लेपली या लेपाली द्वीप, वहीं पर एक आइलैंड है स्ट्रोम्बोली आइलैंड। ठीक, सिसली, हाँ सॉरी सॉरी सिसली। ठीक है, तो वहीं पर एक द्वीप है स्ट्रोम्बोली, अपने आप में एक आइलैंड है, याद रखिएगा, इटली में पाया जाता है। तिरहेरियन सागर जो कि भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है, वहां पर यह पाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रोम्बोली तुल्य, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब एक उन्होंने पैरामीटर बना दिया। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति थे दिलशान, उन्होंने एक शॉट अजीब सा खेलना शुरू किया जैसे स्कूप कहा जाए, तो जो कि उन्होंने उसकी शुरुआत की दिल स्कूप बोलने लगे। ठीक है, इसी तरह हवाई तुल्य का मतलब है कि ऐसा विस्फोट जो हवाई द्वीप पर हुआ था। स्ट्रोम्बोली तुल्य का मतलब है ऐसा विस्फोट जैसा स्ट्रोम्बोली में हुआ था। तो हमें एक आधार मिल गया तुलना करने का, हर चीज के कहो तुलना करने का एक आधार। फिर इसके बाद अगला जो आता है वो है वल्केनियन, वल्केनियन तुल्य। फिर एक आता है पेलियन तुल्य, और फिर एक आता है विशुवियस, विशुवियस तुल्य। इसमें सबसे खतरनाक कौन सा होगा, विशुवियस। सबसे खतरनाक कौन सा होगा, विशुवियस तुल्य। तो ये अलग अलग तरीके से बांटा गया, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पेलियन तुल्य और विशुवियस तुल्य। अब इंग्लिश में आपको लिखवाने के लिए यहां पे इसी तरीके से लिखना और ऐसे लिखना ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर विस्फोट सबसे कम होगा और यहां पर विस्फोट सबसे ज्यादा होगा। इनका क्रम पूछा जाता है दोस्तों कि इनको विस्फोट के क्रम में जमाइए, पूछा गया है प्रश्न, इनको एक्सप्लोजन के ऑर्डर में जमाना पड़ता है कि किसमें एक्सप्लोजन कम होता है, किसमें ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक विक बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये इनके नाम है स्पेलिंग के साथ जो लिखे हुए हैं। ठीक है, विशुवियस को एक और नाम देते हैं प्लीनियन तुल्य भी कहा जाता है इसे के। ठीक है, प्लीनियन, ये नाम लिखे हुए हैं, आप लिख लीजिए एक बार, हवाई, स्ट्रोम्बोली, वल्केनियन, पेलियन और प्लीनियन, इसको विशुवियस भी कहा जाता है। हिंदी में तो आपने लिखी रखते हैं, हिंदी में आप लोगों को पता है। ठीक है, ऑर्डर से ही लिखना, ऑर्डर ही पूछा जाता है यहां से। हवाई, उसके बाद स्ट्रोम्बोली, फिर वल्केनियन, वल्केनियन, फिर पेलियन और फिर विसुवियस। और विसुवियस को एक और नाम है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आपको दिखेगा लब से, PLI, हिंदी में भी लिख लेना ये। ठीक है, इसी को विसुवियस तुल्य को एक और नाम से जाना जाता है। ऑर्डर पूछेगा, फिर से बता रहा हूं, याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये हो गए ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ दी वोल्केनो। ठीक है, इतना ही लिख लो जितना आपने वो अपने डायग्राम में बनाया है। अब सारी चीजें यहाँ पीपीटी में दी गई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो देखो ये लिखा हुआ है दरारी ज्वालामुखी क्या है और केंद्रीय ज्वालामुखी क्या है। शेयर भी कर दिया है मैंने PDF आप लोगों के साथ, वहां पढ़ सकते हैं। ये तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सारे टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगली हेडिंग लगाइए, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण। ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। प्लेट टेक्टोनिक जब हम पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था
कि दुनिया के किस हिस्से में ज्वालामुखी या भूकंप ज्यादा आते हैं और किस हिस्से में ज्वालामुखी और भूकंप कम आते हैं। ठीक है, अब वही चीज हमें यहां पर पढ़नी है। देखो, तीन अलग अलग बेल्ट हैं। एक जो पहला बेल्ट है दोस्तों, उसे कहा जाता है प्रशांत महासागरीय पेटी। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक बेल्ट, कई बार इसे परिप्रशांत महासागरीय पेटी भी कहा जाता है। ये कहां पर है? तो जो प्रशांत महासागर प्लेट की सीमा है, जो प्रशांत पैसिफिक ओशियन प्लेट की जो बाउंड्री है, वो ये पूरी कौन सी प्लेट है? तो ये पूरी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट साउथ अमेरिका से भी टकरा रही है, ध्यान देना, ये नॉर्थ अमेरिका से भी टकरा रही है, यूरेशिया जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, एशिया से भी टकरा रही है, ये इंडोनेशिया से भी टकरा रही है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों से, और यहाँ पर खास तौर पर कहा जाए तो जीलैंडिया से। किससे टकरा रही है? जीलैंडिया से। बहुत बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट, बहुत बड़ी प्लेट है। तो जहां जहां पर इसकी टक्कर हो रही है, ये पूरा इलाका जहां जहां ये दूसरी प्लेटों से टकरा रही है, वहां वहां आपको बहुत एक्सट्रीम भूकंप देखने के लिए मिलते हैं, बहुत एक्सट्रीम अर्थक्वेक देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही भयंकर ज्वालामुखी देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही भयंकर वोल्केनो देखने के लिए मिलते हैं। दुनिया में जितने भी ज्वालामुखी आते हैं, उनके 66% कहां पर आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अब अगर मान लो कि यहां पर भी ज्वालामुखी, यहां पर भी ज्वालामुखी, यहां पर भी, तो ये दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है? आग के गोले की तरह, आग के गोले की तरह। और इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय। अग्नि वलय, ठीक है। ये पहली पेटी है, प्रशांत महासागरीय पेटी, इसे पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। तो पहला पॉइंट लिखो, प्रशांत महासागरीय पेटी, पैसिफिक बेल्ट। उसमें दो पॉइंट लिखना, 66% ज्वालामुखी और भूकंप, 66% वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, और दूसरा पॉइंट रिंग ऑफ फायर। बाकी चीजें आपको याद रहेंगी, रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय, ठीक है। इसके बाद इसमें एक डायग्राम होगा यार, ये रहा, ठीक है। ये हो गया रिंग ऑफ फायर वाला इलाका, देख लिया आपने, भूकंप आ रहे हैं सारी चीजें। इसके बाद जो दूसरी पेटी है वो ये पेटी है दोस्तों, इस पेटी को क्या कहा जाता है? मिड अटलांटिक बेल्ट। क्या कहा जाता है? मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। यहां पर किस प्रकार के ज्वालामुखी आएंगे बताइए आप? फिशर, तो लिख लीजिए इसमें दरारी ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी, फिशर वॉल्केनिक इरप्शन होता है यहां पर, ठीक है। मध्य अटलांटिक पेटी, इसका एक एग्जाम्पल है और इसका उदाहरण है आइसलैंड। आइसलैंड वाला जो इलाका ना, यहां पर एक हेकला और एक है लोकी। लोकी, ये दो यहां पर वॉल्केनो है आइसलैंड में, लिख लेना, हेकला एवं लोकी, दोनों कहां पर है? आइसलैंड में, दोनों आइसलैंड में आते हैं, हेकला एंड लोकी, क्लियर। तीसरा जो पेटी बनती है, तीसरी जो पेटी है वो देखिए महाद्वीपों के बीच में है, कुछ जैसे ये हो गया, यहां ये हो गया, बीच में कॉन्टिनेंट के बीच में आपको दिखाई देंगे कुछ, तो इसे कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। जब महाद्वीपों के बीच में भूकंप आ जाए, किसी महाद्वीप के बीच में भूकंप आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट,
ठीक है, ये बहुत कम जगह पर है और अभी भी इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। अभी जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वहां पर हॉटस्पॉट आ गया है, जिस वजह से वहां पर भूकंप सॉरी वोल्केनो आ गया। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों एक और चीज हमें डिस्कस करनी है, ये तो तीन प्लेटें होगी। दूसरा, आपको याद है हमने सीमाओं के बारे में पढ़ा था, हमने बाउंड्री के बारे में पढ़ा था। दो प्रकार की मुख्य सीमाएं, एक है रचनात्मक, ठीक। दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक होती है रचनात्मक प्लेट जिसे हम क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, और एक होती है विनाशात्मक प्लेट जिसे हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। इसी का एक और नाम क्या है दोस्तों, बताइए मुझे। इसी को हम डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं और इसे कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं। जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि दुनिया के जो 80% ज्वालामुखी हैं, जो 80% वॉल्केनो है, वो कहाँ आते हैं, विनाशात्मक प्लेटों पर आते हैं। और ये हैंस प्रूफ है। अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखोगे जो आपके सामने यहाँ बना हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आ रहे हैं, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, पैसिफिक ओशियन के रीजन में। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ज्वालामुखी क्यों है, बताइए कारण। अरे दिख रहा है ना, दो प्लेटें टकरा रही हैं साहब, दो प्लेटों का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ कौन सी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यहां पर है नाजका प्लेट और यहां कौन सी प्लेट है, जुआंडू फूका प्लेट। सब भूल गए, ऐसा मत करो, हमने प्लेटों के बारे में पढ़ा था। यहाँ जुआंडू फूका नाम की एक प्लेट है, यहाँ पर कोकोस नाम की प्लेट है, यहाँ नाजका नाम की प्लेट है, यहाँ कैरेबियन नाम की एक प्लेट है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं, और खास तौर पर कौन सी प्लेट, जब एक महासागरीय प्लेट हो और एक महाद्वीपीय प्लेट हो। तो यहाँ पर भी ये टक्कर हो रही है, फिर ऐसे ही टक्कर यहाँ भी हो रही है, एक तरफ यूरेशियन प्लेट है, एक तरफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, सबसे हैवी जो ज्वालामुखी आते हैं वो इस रीजन में आते हैं, ये जो पूरा रीजन है ये फिलीपींस प्लेट वाला रीजन है। यहाँ पर जापान वाले में फिर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, इनकी सक्रियता बहुत ज्यादा रहती है। ये फिलीपींस वाले रीजन में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप भी आते हैं, दोनों चीजें। और कारण क्या है, विनाशात्मक सीमा, कारण क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगला पॉइंट में यही लिख लो, बस स्टेटमेंट के रूप में पूछता है, लिख लीजिए। 80% ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, विनाशी प्लेटों के किनारे, और 15% ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, रचनात्मक प्लेटों के किनारे, बाकी कुछ मिड बेल्ट में है, कुछ अलग जगह पर है। स्टेटमेंट के रूप में पूछता है वो आपसे कि ज्यादा ज्वालामुखी किस में आएंगे, कन्वर्जेंट में या डाइवर्जेंट में। तो किस में आएंगे, कन्वर्जेंट में, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो ज्वालामुखी ज्यादा आएंगे, भूकंप ज्यादा आएंगे। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे ज्वालामुखी कम आएंगे, भूकंप कम आएंगे, और अगर आएंगे भी तो कैसे ज्वालामुखी होंगे, मंद, फिसर वॉल्केनो। ठीक है, प्लेटें दूर जा रही हैं।
क्लियर? याद रखना, स्टेटमेंट बनते हैं ये सारे के सारे, ठीक? चलो अब अगला हेडिंग लगाओ, मुख्य ज्वालामुखी, मेजर वॉल्केनो। अब हमें लिस्ट बनानी है, ठीक है? क्लियर? ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब ये फैक्चुअल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। अभी तक हमने वोल्केनो के कंसेप्ट को समझ लिया, क्लियर है? क्लियर है? ओके, नहीं है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक? इसको और क्लियर हो जाएगा, वैसे क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ बड़ी बात हमने पढ़ी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग वोल्केनो को, तीन भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे सक्रिय, एक तरफ लिखेंगे डोरमेंट, विषुप्त प्रक्षुब्ध, और एक तरफ लिखेंगे मृत। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं और एक एक वॉल्केनो को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आप नाम लिखें इसमें, हवाई द्वीप पर स्थित। आप दो तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहें तो पहले ज्वालामुखी का नाम लिख लीजिए, फिर जगह का नाम लिख लीजिए। तो पहला ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लुआ। स्पेलिंग सही लिखी है, मोना लुआ। कहां पर है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप किसका हिस्सा है? अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है? दोस्तों ये जो अगर आप देखेंगे ना, तो ये रिंग ऑफ फायर है इस तरीके से। यहां पर आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया, यहां पर क्या स्थित है? एशिया। यहां पर क्या है? नॉर्थ अमेरिका। यहां पर क्या है? साउथ अमेरिका। यहां कहीं बीच में स्थित है हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड, ठीक है? हवाई की चप्पल भी आती थी याद हो तो, ठीक है? बहामास की चप्पल आती, हम पहनते हैं, ठीक है? बहामास, वो भी एक द्वीप का नाम है, क्लियर? तो हवाई आइलैंड है यहाँ पर। याद रखना दो बातें हवाई के बारे में, किस महासागर में है? जवाब दो, प्रशांत महासागर। दूसरा, किसका अधिकार है इस पर? अमेरिका का अधिकार है। ये जो हवाई द्वीप है, इस पर दो ज्वालामुखी हैं। एक का नाम है मोनालुआ, जो आपने लिख लिया नाम मोनालुआ, और दूसरा जो किलायू, ठीक है? दूसरा कौन सा है? किलायू। अब देखो दोस्तों, इन्हीं के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जो मोनालुआ है, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? लार्जेस्ट वॉल्केनो है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। जब बाय एरिया आप देखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वॉल्केनो का एक डायमीटर होता है, उसका व्यास होता है, तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन है दोस्तों? मोना लोआ। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन है? मोना लोआ। कहां पर है? हवाई द्वीप पर। हवाई किस महासागर में है? पैसिफिक। और किस देश का हिस्सा है? अमेरिका। क्लियर? और दूसरा प्रश्न बनता है किलायू के बारे में। जो किलायू है, ये सबसे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सबसे सक्रिय, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। 34 सालों से लगातार इसमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है, 34 ईयर्स से, ठीक है? मतलब ऐसी कहानी हो गई, एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक बहुत ही मोटा बच्चा, ठीक है? तो उसे आपने क्या बोला? उसका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा बच्चा, ठीक है? लेकिन दूसरा होगा एक बहुत एक्टिव, बहुत ही एक्टिव, यहां से वहां दौड़ जा रहा है, ठीक है? हम पहली कैटेगरी में, ठीक है? दूसरी कैटेगरी में हम नहीं थे, तो उसका आप बोलेंगे एक्टिव, ठीक है? दोनों में देखो दोस्तों, यहां पर मैं इस बात को सीरियसली लेना, यहां पर प्रश्न आप गलत करके आओगे अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया। दोनों का मतलब समझ रहे हो? किलायु जो है वो सबसे एक्टिव है, मोस्ट एक्टिव, 34 ईयर से लगातार इसमें से कुछ ना कुछ इरप्ट हो रहा है। लेकिन जो मोनालोआ है, वो आकार उसका बड़ा है, वो भी एक्टिव है, लेकिन उसका एरिया में आकार बड़ा है। और दोनों कहां पर हैं? हवाई द्वीप पर हैं। याद रहेगा, मैप में भी लोकेट कर लेना, ठीक है? ये घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, मैप में भी दोनों को लोकेट कर लेना और दोनों के बाजू में ये पॉइंट लिख देना, ठीक है? तो ये दो हो गए, दोनों याद रखना, हवाई द्वीप पर दो हो गए, एक मोनालोआ और एक किलायू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है वो है ओजस डेल सेलेडो। ओजस डेल सेलेडो, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ओजस डेल सेलेडो। अब जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखते हैं, साउथ अमेरिका का आप मैप देखेंगे, सॉरी, हाँ, साउथ अमेरिका का मैप आप देखेंगे इस तरह से, ठीक? तो यहाँ पर आपको एक ज्वालामुखी दिखेगा और इसी को कहा जाता है ओजस
डेल सैलेडो। ये जो ज्वालामुखी है ये दो देशों की सीमा पर है, एक देश है चिली और दूसरा देश है अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर क्या बना हुआ है? ओजस डेल सैलेडो बना हुआ है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ, सबसे ऊंचा, 6,500 मीटर के आसपास कुछ इसकी हाइट है, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तीन प्रश्न बनाए हैं हमने अब तक। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, आंसर मौनालोआ। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, किलायू। और दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ओजस डेल सैलेडो। कहां पर है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। कहां आता है ये? तो ये दक्षिण अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका में आता है, क्लियर। साउथ अमेरिका में ही ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ एक देश है और इस देश का नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है? इक्वेडोर। यहां पर दो ज्वालामुखी दिखेंगे, एक का नाम है कोटापैक्सी और एक का नाम है चिम्बराजो, ठीक है। एक का नाम क्या है? कोटापैक्सी, और एक का नाम है चिम्बराजो। ये दोनों कहां पर है? साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में भी कहां पर है? इक्वेडोर में है। यहां पर लिखा भी होना चाहिए कहीं पर, कोटापैक्सी ये रहा, चिम्बराजो इसमें नहीं आएगा, एक्टिव में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तीन हो गए दोस्तों, एक हो गया मोनालोआ, एक हो गया किलायू, एक हो गया ओजस डेल सेलेडो। इसके बाद हम इटली पहुंचेंगे और इटली में यहां पर दो इंपॉर्टेंट है, तीन है एक्चुअल में। एक है माउंट एटना पर, माउंट एटना जो किस पर है? सिसली द्वीप पर है। एक है स्ट्रोम्बेली जो कि लेपारी आइलैंड पर है, ठीक है, और एक है विशुवियस जो कि मुख्य इटली में है। ये तीनों एक साथ लिखोगे आप, ठीक है, तीनों इटली में है, चाहे माउंट एटना की बात हो, चाहे स्ट्रोम्बोली की बात हो, या चाहे विसुवियस की बात हो, ये तीनों कहाँ पर हैं? तीनों के तीनों इटली में है। इसका मैप दिखाता हूँ, मैप से बहुत अच्छे क्लियर होगा। पहले तीनों के नाम लिख लो, ठीक है, एटना, स्ट्रोम्बोली और विशुवियस। स्ट्रोम्बोली के बाजू में एक लाइन लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन पूछता है, भूमध्य सागर का, सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, लिख लेना उसमें एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि उसमें से लगातार एक्टिव है। अब अगर कोई वोल्केनो एक्टिव है तो उससे लाइट तो निकलेगी, लाइट नहीं मतलब लावा वगैरह निकलेगा, तो उसमें लाइट ही दिखती है, इसीलिए इसको प्रकाश स्तंभ ऑफ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोलते हैं। लिख लो, अब मैप दिखाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिख लिया आपने, ठीक है। अब जब आप इटली का मैप देखोगे तो इटली का मैप कुछ इस तरह है, एक तो आपको मुख्य इटली दिखाई देगा, फिर यहां पर इटली का एक द्वीप है जिसे सिसली द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिसली। और यहां एक द्वीप है सर्डेनिया, एक और इसका आइलैंड है सर्डेनिया आइलैंड। पुराने अगर कोई 2019 में पढ़ रहा होगा तो उसने विश्व का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें इन सब की चर्चा होती है, पीडमोंट, सर्डेनिया, इन सब की चर्चा होती है, ठीक है। ये जगह है इटली की मुख्य भूमि पर, यहां पर स्थित है विसुवियस, विसुवियस यहां पर है, जो सिसली द्वीप है उसके यहां पर एक आइलैंड है और उस आइलैंड का ही नाम है स्ट्रोम्बोली। क्या नाम है? स्ट्रोम्बोली यहां पर स्थित है और माउंट एटना यहां दिखाई देगा आपको, और यहां एक सागर है जिसे मेडिटेरियन सी कहा जाता है, यहां एक सागर है जिसे तिरेनियन सागर कहा जाता है, ठीक है, और यहां स्ट्रेट ऑफ मेसिका है जो इन दोनों को अलग करती है। अब ये मैप मैं आपको दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान देना। एक तो ये हो गया ओजस टेल सैलेडो, दिख रहा है आपको यहाँ, ये अर्जेंटीना है और ये चिली है। चिली का सच में अगर आप शेप देखोगे तो मिर्च की तरह ही है चिली, ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ है। अब मैं आपको इटली वाला मैप दिखाता हूँ, इटली का मैप देखो, ध्यान दो, ये इटली है, इसकी राजधानी क्या है? रोम। यहाँ पर इसका आइलैंड है सिसली और यह है सार्डिनिया। यहाँ पर एक और आइलैंड है क्रोसिका, लेकिन इस पर फ्रांस का अधिकार है, ठीक है, हाँ याद रखिएगा, ये चर्चा में है। ये कौन सा सागर है? तिरहेनियन सागर।
कौन सा सागर है? तिरहेनियन। ये किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का हिस्सा है, ठीक है। और ये देखो यहां पर ये सिसली इटली से अलग होता है। ओके, अब वोल्केनो को बनाते हैं, कौन कौन से वोल्केनो कहाँ पर है? तो ये मुख्य इटली है, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मुख्य इटली। यहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है? विसुवियस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप की मुख्य भूमि पर, ध्यान देना, यूरोप की मुख्य भूमि पर, मेनलैंड यूरोप में कौन सा वोल्केनो है, तो जवाब क्या होगा? विसुवियस। देखो स्ट्रोम्बोली और एटना ये भी यूरोप का हिस्सा है, लेकिन ये यूरोप की मुख्य भूमि नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की मुख्य भूमि पर कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा है? कोई नहीं है। भारत की मुख्य भूमि पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन भारत के जब आप द्वीपों को पढ़ते हैं तब आपको बैरन और नारकोंडम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इटली की मुख्य भूमि पर विसुवियस दिखाई देगा, ठीक है। और फिर यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? स्ट्रोम्बोली, ठीक है। और सिसली में कौन सा है? एटना। और यहाँ एक और है वल्केनो, इसका नाम ही है वल्केनो, क्लियर। अब आप एक काम करो, छोटा सा एक ऐसा मैप बना लो अपने तरीके से, इस यहाँ पे बना देना इटली, इटली और ब्रैकेट में ना मुख्य भूमि, मुख्य भूमि मेनलैंड, फिर यहां पर एक द्वीप बना देना, नाम क्या होगा? सिसली, ठीक है, नाम क्या होगा? सिसली। और इसमें एक ज्वालामुखी बना लोगे एटना, और यहाँ है स्ट्रोम्बोली। एक्चुअली यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो जगह है ना, यहाँ तीन चार आइलैंड है इस तरह से, और उन तीन चार आइलैंड को मिला करके लेपारी द्वीप समूह कहा जाता है, और इसी लेपारी द्वीप समूह का एक हिस्सा कौन है? स्ट्रोम्बोली है। तो कई जगह आप देखोगे स्ट्रोम्बोली द्वीप नहीं लिखा रहता है, लेपारी आइलैंड लिखा रहता है। और स्ट्रोम्बोली के ब्रैकेट में लेपारी आइलैंड भी लिख लेना, ठीक, लेपारी द्वीप समूह, क्लियर है यहां तक सारी बातें? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों की लोकेशन क्लियर हो गई है आपको, ओके। विसुवियस भी याद रखिएगा एक्टिव वॉल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लिखिए, इक्वेडोर में स्थित है कोटा पैक्सी, ये अभी हमने आपको बताया। इक्वेडोर में कौन सा है? कोटा पैक्सी। ओके, अगला लिखो, ये हम लिख चुके हैं अंडमान एंड निकोबार का, ये दोबारा नहीं लिखिए यहां पर, ये लिख लीजिए। इसको कई जगह पर ना, इसमें इंग्लिश नाम याद रखना एयरबस, इसको एयरबस भी लिख देते हैं कई बार, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको दो तीन तरीके से लिख देते हैं लोग, एरेबस ऐसा भी लिखा जाता है, कई जगह आपको एयरबस भी लिखा मिलेगा, कई जगह आपको एरेबस देखने मिलेगा, ठीक है, हिंदी में। तो कंफ्यूज मत होना, वो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कहां पर है? अंटार्कटिका, माउंट एरेबस, अंटार्कटिका, इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये सारे इंपॉर्टेंट लिख रहे हो वैसे आप, ठीक। फिर ये लिख लो माउंट नीरा गोंगो, पिछले साल इसमें इरप्शन हुआ था, अगर थोड़ा न्यूज़ फॉलो की हो आपने, लगभग 8,000 लोगों को यहाँ से
इवैक्यूएट करना पड़ा था, ठीक है। पिछले साल विस्फोट हुआ है इसमें, माउंट नीरागोंगो, कहां पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसमें विस्फोट हुआ था हाल ही में, ठीक है। एक स्पेलिंग लिखी हुई है, क्लियर? ओके, अब इसका भी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये देखिए, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये है रवांडा। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जगह है अफ्रीका की रवांडा, और बहुत महंगी जगह है घूमने के लिए, ठीक है। और यहीं पर आपको दिखाई देगा माउंट नेरांगो, यहां पर इसमें विस्फोट हुआ था, ठीक है, यहां पर इसमें एक्सप्लोजन हुआ था हाल ही में। और ये देखिए, ये इक्वाडोर में कोटापैक्सी है, ये चिम्बराजो है, अकांकागुआ है, ओजस डेल सेलाडो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ओजस डेल सेलाडो है, अकांकागुआ है, इस तरीके से। इनको हम लिखेंगे भी, इसका ऑर्डर पूछा गया है, अभी मैं आपको आखिरी में लिखवाऊंगा ये सारी चीजें। तो इतनी चीजें कंप्लीट है, इतना मैप में आप बनाओगे एक्टिव वॉल्केनो के नाम से, नहीं अकांकागुआ इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इतना मैप में बनाओगे। ये सारे कैसे ज्वालामुखी हैं? सक्रिय। देखो दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रश्न मुश्किल आने लगे हैं। पहले वो सिर्फ ज्वालामुखी पूछता था, अब उसने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, इतने नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगली लिस्ट है, वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसमें सबसे पहला नाम है फ्यूजियामा, कहां पर है? जापान में है, चर्चा में रहा था बहुत, फ्यूजियामा, ठीक है, जापान में स्थित है। अगला है क्राकतोआ, इंडोनेशिया में स्थित है, स्प्रेटली आइलैंड का हिस्सा माना जाता है क्राकतोआ। बहुत ही भयंकर विस्फोट, आप इसको डालिएगा यूट्यूब पर, इसके साउंड्स वगैरह कुछ मिलेगा, 1884 के आसपास शायद इसमें इरप्शन हुआ था, ठीक है, बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ था क्राकाटोआ, इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नारकोंडम लिख चुके हो, दोबारा मत लिखना। माउंट सेंट हेलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका कहा जाता है, फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका कहा जाता है, माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है, फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आसान है याद रखना, फ्यूजियामा कहां पर है? जापान में। माउंट सेंट हेलेंस कहां पर है? अमेरिका में है। नारकोंडम अंडमान में है और क्राकातोआ कहां है? इंडोनेशिया में, ठीक है। नारकुंडम लिख चुके हो ना पहले, वो लिस्ट बनाई थी हमने वहां पर। चलो, इसके बाद आखिरी में आते हैं शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसमें पहला नाम है कोह सुल्तान। पाकिस्तान का जब मैप देखोगे तो यहां पर एक इलाका है बलूचिस्तान, बहुत बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, ठीक है, बलूचिस्तान में पाया जाता है और ईरान से सीमा लगी हुई है। यहां पर है कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, और इसी ये अपनी अंतिम अवस्था में है, इसीलिए यहां पर धुआरे भी पाए जाते हैं, फ्यूमेरोल्स भी पाए जाते हैं, क्लियर। कोह सुल्तान के बाद जो दूसरा है वो है दमावंद, दमावंद, ठीक है, ये बड़ा इंडियन नाम लगता है ना, दमावंद, ईरान में है ये, ईरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम पूछे जा चुके हैं, दमावंद। तीसरा है पोपा, म्यांमार में है, ठीक है, किलीमंजारो, ये इंपॉर्टेंट है साहब, कहां पर है? तंजानिया, अफ्रीका, ठीक है, किलीमंजारो। चिम्बराजो अभी डिस्कस किया हमने, कहां पर है? इक्वेडोर। अकांकागुआ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताएगा कोई? हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, सबसे ऊंची चोटी है साउथ अमेरिका की, पढ़ेंगे हम आगे, ओके, ये लिख लो भैया यहां तक, अकांकागुआ, क्लियर। कोह सुल्तान पाकिस्तान में, ईरान में दमावंद है, म्यांमार पोपा, तंजानिया किलीमंजारो, इक्वेडोर चिम्बराजो, अर्जेंटीना में अकांकागुआ। अब एक काम करो, बस जितने हमने साउथ अमेरिका में लिखे हैं उन्हें हमें लोकेट करना है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन पूछी गई थी कि इन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर जमाइए, साउथ से
नॉर्थ की ओर जमाई है। तो देखो, अगर इन चीजों को हम मैप में बनाएं, अगर हम इसको साउथ अमेरिका के मैप में बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये साउथ अमेरिका का मैप है, तो सबसे पहले ऊपर जो हमें ज्वालामुखी मिलेगा, इसका नाम है कोटापैक्सी। इसके बाद जो दूसरा ज्वालामुखी मिलेगा, चिम्बराजो। और ये दोनों कहां पर हैं दोस्तों? इक्वेडोर पे। आप अपना इस तरीके से मैप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वेडोर में ये दोनों देखेंगे, ऐसे ही लिखना, मतलब आप इतना मत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप पूरा नाम लिखना, ऊपर क्या है कोटापैक्सी और नीचे क्या है चिम्बराजो। अच्छा, यहीं पर अगर आप कलर से भी दिखा सकते हो या फिर जैसा आपको शो करना है, कोटापैक्सी कैसा है एक्टिव और चिम्बराजो कैसा है एक्सटिंक्ट। लिखा ना हमने अभी, कोटापैक्सी कैसा है सक्रिय ज्वालामुखी है और चिम्बराजो कैसा है मृत। वहीं पर मेंशन भी कर देना मैप बनाते समय, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो यहां आपको एक जगह मिलेगी जिसे हमने क्या नाम दिया, ओजस डेल सैलेडो। कहां पर है सर ये जगह? तो अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर है। और ये कैसा है? हाईएस्ट एक्टिव, सबसे ऊंचा और एक्टिव। फिर नीचे आओगे तो यहां आपको एक जगह मिलेगी अकांकागुआ। कहां पर है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में कैसा ज्वालामुखी है? मृत, मृत। और ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। तो इनका ऑर्डर पूछा गया था, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। बाकी हमने इटली में डिस्कस किए कि यहां पर विसुवियस आएगा, यहाँ स्ट्रोम्बोली और यहाँ एटना। विसुवियस जो है वो इटली में है, स्ट्रोम्बोली लेपारी द्वीप समूह में, स्ट्रोम्बोली द्वीप में है, और जो एटना है वो सिसली द्वीप का हिस्सा है। फिर हम यहाँ आए तो हमने ईरान में एक डिस्कस किया, क्या दमावंद। पाकिस्तान में डिस्कस किया कोह सुल्तान, ठीक है। यहाँ जो बीच में इलाका है, यहाँ एक जगह है हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड। हवाई में दो है, एक है मोनालोआ और दूसरा कौन सा है? किलायू, ठीक है। अमेरिका में कौन सा डिस्कस किया हमने? माउंट हेलेंस, ठीक है, डिस्कस किया। कैसा ज्वालामुखी है? डोरमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। एक दो बार मैप में बना लेना, ठीक है, घर पे जाकर के मैपिंग या फिर एक बार एटलस में देख लेना। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है जिसका नाम था ज्वालामुखी वोल्केनो। एक बार देख लेते, कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, मैप में देख लीजिए, हवाई यहाँ पर भी विस्फोट हुआ है। ये जो टोंगा आइलैंड है ना, टोंगा आइलैंड, यहाँ पर ही हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, हाल ही में। ओके, ये हवाई आइलैंड इस तरह दिखाई देता है, ये हवाई का मुख्य आइलैंड है। ये माउंट एटना है, सॉरी ये मोनालोआ है और यहाँ आपको दिखाई देगा किलायू, होगा भी यहाँ के, मैंने एक मैप डाला था, ये देखो, ये है, ये मोनालोआ वोल्केनो है और ये किलायू वोल्केनो है, ठीक। बहुत सारे वोल्केनो है और छोटे 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 आइलैंड है, ये सारे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। एक लिस्ट है, इसको पढ़ लेना बस, दैट्स इट। ये हमने कवर कर लिया है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कवर हो गया। ओके, फिर आकार की दृष्टि से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। कई जगह पर आप देखोगे इसका आंसर कोटापैक्सी होता है, तो पुराने जितने भी पेपर हैं उसमें कोटापैक्सी लिखा हुआ है। तो अगर ऑप्शन में ओजस डेल सैलेडो नहीं है तब जवाब क्या होगा? कोटापैक्सी। पर अगर यह ऑप्शन में है देन हमेशा यही सही जवाब होगा, ठीक है। फिर यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है, ठीक है। माउंट एयरबेस कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। भारत में आप जानते हैं अंडमान में बैरन हो गया। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी एशिया और महाद्वीप के तटों पर, अमेरिका के तटों पर है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अमेरिका ये पूरा आएगा, अमेरिका मतलब साउथ और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी लिख लो, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, नो वोल्केनो इन ऑस्ट्रेलिया। अलग से इसको नोट बना करके लिख लेना बादलों के अंदर। ठीक है,